अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं पहली दफ़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ इस व्लॉग में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा आज का। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग रूटीन। तो जी, सुबह का नाश्ता हम कर चुके हैं, बेटे का और हस्बैंड का लंच पैक करने के बाद आज मैंने व्लॉग शुरू किया है। अब मैं जल्दी जल्दी से सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी, पूरा किचन मैसी पड़ा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो मुझे जल्दी जल्दी फिनिश करने हैं, तो जल्दी से पहले ये बर्तन को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं और बाकी के सारे काम। अभी आपने देखा कि मैंने सारा किचन क्लीन कर दिया था, सिंक वगैरह साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने मिल्क जो रखा था बॉईल करने के लिए, वो सारा बाहर आ गया था, तो फिर से सारे में वो गंदा हो गया था, फिर से मैं साफ़ कर रही हूँ। तो जी, किचन हमारा एक बार फिर से क्लीन हो चुका है ऑलमोस्ट। तो मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह पहले समेट दिए थे, उसके बाद में मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। चलिए जी, ये काम भी फिनिश हो चुका है। उसके बाद में थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे धोने के लिए, तो मैंने वो भी वॉश कर लिए हैं। ये भी कपड़े मैंने हाथ से ही धोए हैं और सिर्फ मशीन में ड्रायर किए थे ताकि ये जल्दी से सूख जाएं, इनको ज़्यादा टाइम ना लगे। मैं कोशिश करती हूँ जब कपड़े कम हो तभी उन्हें धो लिया जाए, ताकि इकट्ठे होके फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जब अगर हो भी जाते हैं तो फिर उन्हें भी धो लेती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। तो
इसलिए टेंशन ना लो, कभी कभी ज्यादा कपड़े भी धोने चाहिए इकट्ठा करके, कभी कभी हो जाता है यार, कोई मसला नहीं है। तो जी हमने अपने सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं, तो ये काम भी एक फिनिश हुआ हमारा। तो चलिए जी मैं बनाने जा रही हूँ दाल और चावल। मेरा बहुत मन कर रहा था दाल चावल खाने का, तो इसलिए मैंने बनाई है मसूर चने की दाल और चावल। पहले इसे अच्छे से 3 बार वॉश कर लेंगे, इसमें जो पाउडर सा होता है सारा वो निकल जाना चाहिए। तब तक मैंने इसे वॉश किया है। तो चलिए जी दाल हमारी अच्छे से वॉश हो चुकी है, उसमें हमने थोड़ा सा वाटर ऐड किया है। उसके बाद में डाला है ऑनियन और गार्लिक का पेस्ट 2 स्पून, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डालती हूँ और थोड़े से खड़े मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च और बड़ी वाली काली इलायची। तो मैं यहाँ पे चावलों को धोने लगी हूँ, इन्हें भी अच्छी तरह से वॉश करूँगी। और ये हैं बासमती चावल, तो इन्हें ज़्यादा देर पहले भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने 15 मिनट पहले ही भिगो के रखती हूँ। आज मुझे भूख थोड़ी ज़्यादा लगी हुई थी, इसलिए मैंने इन्हें सोक नहीं किया है, इसलिए मैं हैंड टू हैंड ही कुक करने जा रही हूँ। तो मैंने इसमें वाटर ऐड किया है, मैंने इसमें सॉल्ट, जीरा और थोड़ा सा मैंने रिफाइंड इसमें मिक्स किया है, और मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ये बासमती राइस बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही मजे के लगते हैं, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो जी देखें दाल हमारी पक चुकी है, और इसको पकते टाइम मैंने इसमें करी लीव्स डाल दिए थे, करी पत्ता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसमें पकाते टाइम भी ऐड कर देती हूँ। फिर तड़के के टाइम तो खैर डलते ही हैं। अभी मैं इसमें गरम मसाला मिक्स कर रही हूँ, अभी मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ इसका। तो तड़के के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, उसके बाद मैंने उसमें थोड़ी सी ऑनियन डाल ली है, और इसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया जो चॉप करके रखा था इसको मैंने डाल लिया है, मिक्स कर लूँगी दाल में। उसके बाद मैंने प्याज को थोड़ा सोटे कर लिया है, थोड़ा सा लाइट पिंक होने के बाद मैंने उसमें टमाटो और चिली डाल ली हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आज का सिंपल और टेस्टी लंच। तो जी यहाँ पर मुझे मेरे हस्बैंड डॉक्टर के यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि कई दिन से मेरी नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था,
पिछली रात को बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा हो गया था कि मैं सो नहीं पाई थी पूरी रात। तो कभी रात में परेशानी ना हो जाए दोबारा से, इसलिए मुझे डॉक्टर के यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। अभी थोड़ा दूर है उनका क्लिनिक थोड़ा। और ये देखिए गाइस, रास्ते में हमें इतना प्यारा व्यू मिला देखने के लिए, इतने सारे प्लांट्स पॉट थे, और इतना अच्छा लग रहा था इन्हें देखकर। और कुछ होम डेकोर की चीजें थी, बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स थे। तो फिर हम आ गए हैं डॉक्टर के क्लिनिक। तो यहाँ पर हम डॉक्टर से मिल लिए हैं, उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं और 5 डेज के लिए उन्होंने मेडिसिन दी हैं और उसके बाद आने के लिए बोला है। तो हमें रास्ते में ये कुछ फुटवेयर दिखाई दिए, बच्चों की और बड़ों की शूज़ भी थे कुछ। तो मैंने अपने बेटे के लिए स्लीपर्स खरीदी हैं डेली वेज की। तो यहाँ पर रास्ते में हमें एक क्रॉकरी की छोटी सी शॉप दिखाई दी। तो यहाँ पे मुझे कुछ ग्लासेस पसंद आए थे जो मैंने यहाँ से बाय किए हैं। और यहाँ पर कुछ होम डेकोर की पीसेस भी थे काफ़ी अच्छे, और लेमन सेट्स थे कुछ, और ग्लासवेयर भी थे। तो मुझे कुछ ग्लासेस पसंद आए थे 2 सेट, और एक उनमें से ये था ग्लास का सेट और एक ये था छोटा वाला। तो मुझे दोनों ही काफ़ी पसंद आए थे, काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे दोनों सेट्स। और ये थोड़ा स्मॉल साइज था लेकिन काफ़ी प्यारा था। और उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए स्लीपर्स खरीदी थी ये वाली। तो जी देखें, ये हैं वो ग्लासेस के सेट्स। जैसे कि अब गर्मी आ रही है तो उनमें भी मोस्टली ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ की, और जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।